से दूसरे शहर में खुले हुए कानून को हवा में उड़ाया। मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए भगवाधारी, लगाए जय श्री राम के नारे, लगाया भगवा झंडा। मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान पर छाती पीटने वालों की बोलती हो गई बंद। भगवाधारियों की करतूत पर न किसी को दिक्कत, न लिया गया कोई एक्शन। पहले मुस्लिम बस्ती में घुसकर करते थे उत्पात, अब डंके की चोट पर एक एक मस्जिद को बना रहे निशाना। ये है हाकिम का न्यू इंडिया। जिस इमारत पर चढ़कर भगवा झंडा ये मुट्ठी भर लोग लहरा रहे हैं, इस इमारत को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि आखिर कौन, कि आखिर ये कौन सी इमारत है। जी हाँ, ये मस्जिद है। सोचिए, मुस्लिम बस्ती में घुसना, उसके बाद वहाँ मस्जिद की मीनार पर चढ़ जाना, फिर हाथ में थामे भगवा झंडा को वहाँ गाड़ देना, कितना आसान हो गया है ना। इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और दावा किया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद के खोराज में 22 जनवरी को जामा मस्जिद के ऊपर जुम्मन भगवा झंडा फहराते हुए हिंदू चरमपंथियों को खुश करता हुआ, वहीं मस्जिद के बाहर हिंदू चरमपंथी भगवा झंडे के साथ उत्पात मचाते हुए। ये वीडियो जरूर पुरानी है, लेकिन तारीख गवाही देती है कि जिस रोज मुल्क के हाकिम अयोध्या की गलियों में खड़े होकर मुल्क में रामराज जाने का दावा कर रहे थे, उस रोज ये लोग अपने ही इष्ट देव का अपमान करने में जुटे थे। बात सिर्फ गुजरात की नहीं है। दावा किया गया है कि 22 जनवरी को एक और जगह पर ऐसा ही किया गया था। मुस्लिम बस्ती में बनी मस्जिद की मीनार पर चढ़े वह भगवा झंडा लगा दिया गया और ये सब डंके की चोट पर हुआ। इस वीडियो को भी द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और दावा किया गया है कि मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हुए हिंदू चरमपंथी, मुस्लिम महिलाएं और बच्चे उन्हें बेबसी से देखते हुए। वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हुई। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उस पर लिखा हुआ है कि मीरा रोड मुंबई का गुस्सा निकाला आगरा में, तारीख 22 जनवरी लिखी हुई है। वही मस्जिद के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा है मदीना मस्जिद नैनाना जाट, जो आगरा में ही, यानी उत्तर प्रदेश में खुलकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए बेबसी मुस्लिम समाज की, ये अपने ही इबादत खाने के अपमान पर चुप्पी साध कर बैठे। जानते हैं इन मवालियों के झुंड का विरोध किया तो होगा उत्पात, फिर पुलिस करेगी कार्रवाई, मुस्लिम ही पाया जाएगा दोषी, पहले होगी गिरफ्तारी, फिर गिरा दिए जाएंगे उनके मकान और दुकान। स्पेशल डेस्क द कंटा।